करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट के वाले से। हमारे पास दो तरह के कंट्रीब्यूशन, हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट के, हमारे पास मॉडर्न साइंटिस्ट के। तो सबसे पहले बात करेंगे कंट्रीब्यूशंस क्या है। तो कंट्रीब्यूशंस हमारे पास वो मेहनत जो साइंटिस्ट ने की साइंस में हमारे लिए, स्पेशली देखा जाए कि हमने जो अभी तक एलिमेंट्स को स्टडी किया, जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एलिमेंट्स को स्टडी किया हुआ, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, ठीक है। तो जब तक वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे तो उनके बारे में हमें तो पता चलेगा नहीं। तो साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट डिस्कवर किए, कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल मेथड बनाया किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट में, हमारे पास चार नाम है, जैसे कि हमारे पास जाबिर बिन हयान है, अल बैरूनी है, अल राजी है, इब्न सीना है। इन चारों साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम पीरियड में, अपने अपने एरा में बहुत मेहनत की, और उसके बाद उन्होंने कई सारी चीज़ों को डिस्कवर भी किया, मेथड प्रिपेयर किए, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके दिखाई। तो उनका नाम मुस्लिम साइंटिस्ट के उसमें डाला गया, और ये बताया गया कि इनकी इतनी मेहनत थी जिसकी वजह से अभी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। इसी हिसाब से हम मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करेंगे। हमारे पास मॉडर्न साइंटिस्ट में अगर आप देखें, आपकी बुक में बहुत सारे नाम हैं, मैंने कुछ नाम यहाँ पे लिखे गए, जिसमें हमारे पास कैवेंडिश है, जे ब्लैक है, जे जे बर्जीलियस है, जॉन डॉल्टन है, और इनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नज़र आएंगी बुक में, और आप उनको स्टडी कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से ना आए तो या तो हो सकता है वर्किंग के नाम से आ जाए या सर्विसेज के नाम से आ जाए। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मुझे मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपको इनके तमाम के कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बाज़ाब्ता सेंड कर दूंगा, और जिन बच्चों के पास अगर अवेलेबल नहीं होगा तो। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।